ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 27th में वेनसडे है, सुबह के 8:16 हो रहे। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल मंथली एक्सपायरी का दिन होगा एफएनओ सेक्टर का, फिर निफ्टी इंडेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक्स। तो काफी वोलाटाइल मार्केट इन 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर काफी टेंशन चल रहा है। पीओके में भी देखे तो पाकिस्तान के साथ तो वहां पर भी काफी टेंशन चल रहे हैं। इंटरनेशनली देखे तो यूएस और चाइना के बीच में फिर से एक बार ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो सकता है, तो काफी ग्लोबल क्यूज भी काफी इस समय टेंशन भरे हैं। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। यह कल का पिक्चर है, यानी 26th में आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9135 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8954। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, शुरू के 5 मिनट के अंदर ही इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करके फर्स्ट टारगेट 9156 एग्जैक्ट अचीव किया। यहाँ पर ही इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का काम किया। फिर एक बार टूवर्ड्स ये जब साउथ की तरफ आके फिर से नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ, तो इसने फिर से एक बार डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट किया। एग्जैक्ट ये 9156 के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फर्स्ट टारगेट अचीव भी हुआ। एग्जैक्ट यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बनने के बाद ये जो यहाँ पर ये ओपन हुआ था, एक गैप ओपन यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, और जैसे ही इस गैप को ये फिल करने लगा तो और भी टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ हुआ। तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन गया था, और इसके नेक लाइन का ब्रेक होने के बाद इसने ये जो सुबह का ये जो लो बनाया था ये भी ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ये पैटर्न यहाँ पर बना था। डबल टॉप के बाद इसने डे का लो भी ब्रेक कर दिया था कंफर्टेबली, तो यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का भी एक पोजिशन यहाँ पर बना था। हालांकि अगर हमारा जो प्री मार्केट प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, हालांकि बंद होते हुए मार्केट में एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिला वहां पर। नासडेक करीब 15 पॉइंट के बढ़त के साथ बंदा। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर भी तेजी देखने को मिली, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 20 पॉइंट्स के पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि बाकी के एशियाई बाजार देखे तो वहां पर थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। नाउ फ्यूचर भी देखे तो 60 पॉइंट्स की इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल एशियाई बाजार इस समय मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, मंथली एक्सपायरी को। तो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 100 EMA का एज पर मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट देख रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का, ये अराउंड 8786 के पास आ रहा है। तो 8800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो स्विंग लो बना है इसके नीचे अगर आके ये इस तरह से क्लोज होता है तो यहाँ पर ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो यहाँ से फिर निफ्टी इंडेक्स हमें टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर ये 100 EMA के पास अगर ये सपोर्ट टेस्ट करता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जैसे 2008 में इसने 100 EMA के पास
काफी मंथ यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया और एक डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया। और जून के महीने में अगर यहाँ से कोई राइज आता है और ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनता है तो निफ्टी इंडेक्स में फिर से हमें तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि ये सपोर्ट काफी क्रुशियल होगा, 2 दिन बचे हैं, इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से फिर मार्केट एक बार फिर से यहाँ से ट्रेंड जो है चेंज होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये सपोर्ट अभी फिलहाल काफी क्रूशियल है, ये 2008 का सिनारियो है और ये अभी फिलहाल 2020 का सिनारियो है। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अगर देखें तो लास्ट वीक इसने ये जो 38.2% का लेवल था 8980 ऑलमोस्ट 9000 के पास, ये 9000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर 9000 अगर ब्रेक होता है इन 2 दिनों में तो हमें 8700 के करीब निफ्टी इंडेक्स मूव होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेंड देखें तो वीकली चार्ट में भी अभी कंप्लीटली स्ट्रक्चर जो है वो डाउन ट्रेंड का बन रहा है। 150 और 20 EMA ये दोनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर बन चुके हैं और इसके नीचे ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट होता है जो कि डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन का फॉर्मेट है तो यहाँ पर और भी निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे 9000 का क्रूशियल सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी नीचे की तरफ फिसल सकता है और ऊपर की तरफ 9300 ये फर्स्ट हर्डल होगा। इसके बाद 20 EMA ये जो पिंक लाइन देख रहे हैं आप ये अराउंड 10000 के पास है इस समय 9928, तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है अगर 9300 को कंफर्टेबली ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो। तो यह था वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में काफी चॉपी मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, जो शुरू का वन आ रहता है उसमें तेजी रहती है और लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन बचता है हाफ एन आवर या वन आवर का उसमें हमें एक तेजी देखने को मिलती है, मतलब एक ट्रेंड वाइज ट्रेडिंग देखने को मिलती है। अदरवाइज अगर डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर ये रेंज क्रिएट हुआ है, ये जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक था स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक उसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, 5 दिन हो चुके हैं। तो जैसे ही इसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड ब्रेक होता है हमें एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट 3 दिन से ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का पिंक लाइन है ये हर्डल का काम कर रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा है ना ही ये बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहा है। तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो इस लेवल का हाई यानी 9150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे 9000 जैसे कि हमने वीकली चार्ट में देखा वो ब्रेक होता है तो फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स 8700 की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। एक बार 60 मिनट के चार्ट में RSI वर्सेस प्राइस एक्शन को भी कंपेयर कर लेते हैं। ये है ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न और नीचे है RSI इंडिकेटर। अगर RSI को देखे कुछ 2-3 दिनों से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये राइजिंग बॉटम्स बना रहा था, ये देखिए यहाँ पर, तो ऊपर भी प्राइस एक्शन में ये पहले लोअर लोज बने रहे थे, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जैसे ही RSI में हायर बॉटम्स बने उसके बाद यहाँ पर भी प्राइस एक्शन में भी हायर बॉटम्स बनने लगे। तो अभी ये फिर से RSI ने ये लोअर हाईज यहाँ पर बनाया है और अगर ऊपर में प्राइस एक्शन को भी अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है ये ऐसे। तो अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता है कंफर्टेबली और नीचे की तरफ आ जाता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से और भी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से निफ्टी ये जो दो टॉप यहाँ पर बन चुके हैं ये दो टॉप इनको अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली, इन दो टॉप जो बने हैं इस लेवल के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 9180 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं? अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो S1 का लेवल है अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग ही चल रहा है, जो हमने डेली चार्ट में देखा बियरिश कैंडल का हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो छोटा स्विंग लो बना है अभी फ्राइडे के दिन, तो
तो ये अगर ब्रेक करता है यानी 8963 के नीचे चला जाता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8926, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 8897 के पास है। और अगर ऊपर की तरफ ये मूव करता है तो काफ़ी सारे हर्डल्स या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। पहला तो पिवट पॉइंट का लेवल है, उसके बाद 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को क्लियरली ब्रेक होने दीजिए, कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी ऑलमोस्ट अगर कल के हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9183, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 R2 का लेवल जो कि 9227 यानी 225 कर लेते हैं, उसके पास ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। What does the graph say? Stop that voice.